बहुत समय पहले की बात है, रामनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग हंसी खुशी एक साथ रहते थे। इस गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसकी पत्नी और दो बच्चे थे। मोहन के पास दो भैंसें थीं, जिनका दूध बेचकर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गांव की सबसे बड़ी समस्या पानी की थी, क्योंकि पूरे गांव में केवल एक तालाब था। लोग उसी तालाब से पानी लाकर अपने दैनिक जीवन के काम करते थे। गांव में और कोई पानी का स्रोत नहीं होने के कारण गांव वालों को उसी तालाब के पानी पर निर्भर रहना पड़ता था। हालांकि गांव के लोग अपनी इस जिंदगी से खुश थे। कुछ समय यूं ही बीत जाता है, लेकिन एक दिन जब गांव के कुछ लोग तालाब पर पानी भरने जाते हैं, तो देखते हैं कि तालाब में बड़े बड़े मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया है। अब लोग तालाब से पानी भरना छोड़ देते हैं, क्योंकि मगरमच्छ उन्हें मार सकते थे। थोड़े दिन बाद कुछ लोगों ने हिम्मत करके तालाब से पानी लाने की कोशिश की, मगर मगरमच्छों ने उन्हें भी मार डाला। इस घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। अरे देखो भाई, तालाब के इन बड़े बड़े मगरमच्छों ने हमारे गांव के दो लोगों को मार दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे यह पूरा गांव खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर हम इन मगरमच्छों का शिकार नहीं बने तो भी बिना पानी के मर जाएंगे। हमें कुछ करना पड़ेगा। मगरमच्छ बहुत खतरनाक होते हैं। अगर हम तालाब के पास गए तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। हाँ, रामू सही कह रहा है। कुछ लोग पानी भरने गए थे और मगरमच्छों ने उन पर हमला कर दिया है। हाँ, ये समस्या गंभीर है, लेकिन हमें इसका समाधान निकालना होगा। एक व्यक्ति है जो हमें इस समस्या से निकालने के लिए सुझाव दे सकता है, और वह है मुखिया रघुवीर। हमें उनसे बात करनी चाहिए। रामू और बिरजू मुखिया के घर जाते हैं और उन्हें सरपंच के पास ले आते हैं। सरपंच जी, आपने हमें कैसे याद किया? मुखिया जी, हमारे गांव के तालाब पर मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया है और लोगों को पानी की समस्या हो रही है। अब आप ही इसका कोई समाधान निकाल सकते हैं। मुखिया गहरी सोच में पड़ जाता है और फिर एक उपाय सोचकर कहता है। मगरमच्छों से लड़ना आसान नहीं है। हमें एक नया तालाब बनाना होगा। ये काम आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो नया तालाब जल्दी बन जाएगा। मुखिया जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और नया तालाब बनाएंगे। हाँ, हमें मिलकर काम करना होगा। इस समस्या का यही समाधान है। चलो, कल से ही हम नया तालाब खोदने का काम शुरू करते हैं। सभी गांव वाले मुखिया के सुझाव से सहमत होते हैं और अगले दिन से ही तालाब खोदने का काम शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों की मेहनत और मशक्कत के बाद आखिरकार गांव वालों ने मिलकर एक बहुत ही गहरा तालाब खोद लिया। वर्षा ऋतु का मौसम भी आ गया और गांव में जोरदार बारिश शुरू हुई। बारिश से वह तालाब लबालब पानी से भर गया। इसे देख गांव वाले बहुत खुश हुए। अरे मोहन, देखो हमारा तालाब कैसे पानी से भर गया है। अब हमें पानी के लिए उस मगरमच्छ वाले तालाब में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार हमारे गांव को इस पानी की समस्या से निजात मिल गई। कुछ लोग खुशी से भर जाते हैं, लेकिन एक दिन गांव वालों की खुशी को जैसे किसी की नजर लग जाती है। सुनिए जरा, यह मटकी भरकर तालाब से पानी ले आना। घर में पानी खत्म हो गया है। और हाँ, जल्दी आना, वहाँ गांव वालों से बातें करने मत बैठ जाना। ठीक है सीता, लाओ दो मटकी, मैं अभी पानी भर लाता हूँ। जब मोहन मटकी लेकर तालाब के पास पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ पर मुखिया रघुवीर खड़ा है और वह गांव वालों से पैसे ले रहा है। मोहन ने एक व्यक्ति को रोक कर पूछा, तालाब से पानी भरना है तो पैसे देने होंगे। जो पैसे नहीं देगा उसे तालाब से पानी नहीं भरने दिया जाएगा। भगवान जाने अब इस गांव में क्या कहर आने वाला है। मोहन पानी भरने के लिए तालाब के पास खड़ा हो जाता है। जैसे ही वह तालाब से पानी भरने जाता है, मुखिया उसे रोकते हुए कहता है, मोहन तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ से पानी भरने के लिए पैसे देने होंगे। लेकिन ये तो गांव का तालाब है, यहाँ पानी भरने के लिए पैसे क्यों देने पड़ेंगे? यह नियम अब बदल गया है। यहाँ से पानी भरने के लिए हर किसी को पैसे देने होंगे। यह तो सरासर अन्याय है। ये तालाब सबके लिए है, हमने मिलकर इसे खोदा है, तुम पैसे कैसे मांग सकते हो? मुझे कानून मत सिखाओ, यह मेरा आदेश है, और जो इसे नहीं मानेगा उसे तालाब से पानी नहीं मिलेगा। यह बिल्कुल गलत है।
मैं इस बात को जमींदार साहब के पास ले जाऊंगा, तुम्हें इसका जवाब देना होगा। जाओ जाओ जमींदार साहब के पास जाओ, लेकिन तुमने इस बारे में जमींदार के सामने अपना मुंह भी खोला तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मेरी शिकायत करने से पहले एक बार अपने परिवार के बारे में भी सोच लेना। ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन याद रखना यह अन्याय ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। मोहन मजबूरी में पैसे देकर पानी भरता है और वहां से चला जाता है। सीता, जो तालाब हम सब गांव वालों ने मिलकर खोदा था, मुखिया जी ने अब वहां से पानी भरने पर रोक लगा दी है। मुखिया ने कहा है कि अगर पानी चाहिए तो उसकी कीमत चुकानी होगी। ये तो गलत है, कोई हमारे साथ बुरा करता है इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी उसके साथ बुरा ही करें। ऊपर वाला सब देख रहा है, सभी को उनके कर्मों की सजा जरूर मिलती है, मुखिया को भी उसकी सजा एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आता है और तालाब के पास पानी पीने की कोशिश करता है। ये तालाब तो काफी बड़ा है, यहाँ से पानी पी लेता हूँ, प्यास बहुत लगी है। ए, तुम कौन हो? नमस्ते, मैं एक यात्री हूँ और बहुत प्यासा हूँ, बस थोड़ा पानी पीने के लिए रुका हूँ। यहाँ पानी पीने के लिए रुक गए, यहाँ पानी पीने के लिए पैसे देने होंगे। पैसे? लेकिन पानी पर तो सभी का हक है, ये तो सार्वजनिक तालाब है, पानी के लिए पैसे क्यों देने पड़ेंगे? ये सरकारी तालाब नहीं, ये हमारा तालाब है, यहाँ पानी पीना है तो पैसे देने होंगे, नहीं तो चलते बनो। मुझे कानून मत सिखाओ, यह मेरा इलाका है और यहाँ मेरे नियम चलते हैं। अगर तुम्हें पानी पीना है तो पैसा दो, वरना चलते बनो। वह व्यक्ति बिना पानी पिए वहाँ से चला जाता है और सीधे जमींदार साहब के घर पहुँचता है। जमींदार साहब के घर के बाहर मुखिया के दो आदमी खड़े थे। वह व्यक्ति से पूछते हैं, कौन हो तुम? तुम तो इस गांव के नहीं लगते, तुम यहाँ किस काम से आए हो? मैं इस जिले का कलेक्टर हूँ। यह सुनकर वह दोनों आदमी उस व्यक्ति को अंदर जाने देते हैं। नमस्ते कलेक्टर साहब, आइए बैठिए, मुझे बताइए आप यहाँ कैसे आए? जमींदार साहब, मैं यहाँ एक गंभीर समस्या के बारे में बात करने आया हूँ। मैं गांव के तालाब पर गया था और प्यास लगने पर पानी पीने की कोशिश की, लेकिन मुझे पानी पीने से मना कर दिया गया और पानी पीने के लिए पैसे मांगे गए। क्या ऐसा किसने किया? जब मैंने उनसे कहा कि यह तालाब तो सार्वजनिक है, तो उन्होंने कहा कि यह उनका तालाब है और यहाँ से पानी भरने के लिए पैसे देने होंगे। ये बहुत गलत है, मुझे माफ कीजिए कलेक्टर साहब, मैं तुरंत इस मामले की जांच करूंगा। जमींदार साहब गुस्से में बाहर खड़े मुखिया के दोनों आदमी को अंदर बुलाते हैं। हमारे गांव में ये क्या चल रहा है? तुमने मुझे इसकी खबर क्यों नहीं दी? मैंने तुम दोनों को किस लिए काम पर रखा है? अब तुम सीधे सीधे बताओ कि यह जो कलेक्टर कह रहे हैं वह क्या सच है? जी जमींदार साहब, वह मुखिया रघुवीर हैं जो गांव वालों के पानी भरने के पैसे ले रहे हैं। हमने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माने। जाओ मुखिया को अभी बुलाकर लाओ, और हाँ, साथ में सारे गांव वालों को भी एकत्रित करके यहाँ लाओ। थोड़ी देर में मुखिया के साथ ही सारे गांव वाले भी जमींदार साहब के घर पहुंच जाते हैं। गांव वालों, आज मैंने आपको एक जरूरी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। हमें पता चला है कि तालाब के पानी के लिए आपसे पैसे वसूले जा रहे हैं, क्या यह सच है? सरपंच जी, यह सच है, हमें हर बार पानी भरने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। सरपंच जी, हम पहले से ही मुश्किल में हैं और यह नया नियम हमारे लिए बहुत भारी पड़ रहा है। मुखिया, तुम्हें क्या कहना है? क्या यह सच है कि तुमने पानी के लिए पैसे वसूले हैं? तभी मुखिया का ध्यान उस व्यक्ति के पास जाता है जिसे मुखिया ने पानी पीने से मना कर दिया। अरे, यह व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, तो इसी ने मेरी शिकायत की है, देख लूंगा इसे मैं। बोलो रघुवीर, ये सब क्या चल रहा है? सच का तो मुझे पता चल ही गया है, लेकिन एक बार ये मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। जमींदार साहब, मैंने ये सोचा था कि इससे गांव के विकास के लिए पैसे जमा होंगे, लेकिन अगर यह गलत है तो मुझे माफ कर दीजिए। माफी का समय अब नहीं है, तुमने गांव वालों और हमारे कलेक्टर साहब के साथ गलत किया है। मुखिया, मैं तुम्हें इस पद से तुरंत हटा रहा हूं, तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया है,
अब गांव वालों को तुमसे कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे माफ कर दीजिए जमींदार साहब। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अब से तुम इस पद पर नहीं रहोगे और गांव के किसी भी फैसले में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। जमींदार साहब, हमें तो लगता था कि यह तालाब सभी के लिए है, लेकिन मुखिया जी ने इसे अपनी संपत्ति ही बना लिया है। गांव वालों, मुझे खेद है कि आपको ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आगे से ऐसा कोई अन्याय नहीं होगा। तालाब का पानी अब सभी के लिए मुफ्त होगा। धन्यवाद जमींदार साहब, आपने हमें न्याय दिलाया। गांव वाले यह जानकर खुशी खुशी अपने काम में वापस लौट जाते हैं कि अब उन्हें तालाब के पानी के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा और उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा।